रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहंशाह। सबसे पहले हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। आइए स्वागत है आपका। देवियों सज्जनों, मैं श्री नकली अमिताभ बच्चन असली उड़ीसा के लोगों को भाई साहब क्या चल रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है, अच्छी बात तो यह है, बस चल रहे हैं भाई साहब ऐसे करके, शहर की शहर, प्रोग्राम का प्रोग्राम भी देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, एक कविता प्रस्तुत है। ये पीछे कुछ माइक चल रहा है क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अरे वाह, मैडम भी जा रही हैं, थोड़ा लाइट मारिए इधर। आहा, अरे वाह, कहीं से तो आए हैं, आए आए, दही बड़ा खा के आए लगते हैं, आलू पूड़ी खा के आए लगते हैं, रसगुल्ला। आहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब वापस जानबूझ के लोग चलने मत जाना, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। आहा, इधर भी लाइट मारिए जरा। आहा, फोन पे है। आहा, किसका फोन आया है ऐसा, किसका फोन आ गया जरा हमें भी बात कराइए। आयुषी की मम्मा लगाइए स्पीकर फोन पे। आयुषी की मम्मा बोल रही हैं? नहीं तो चुप कर गई। ठंड तो बहुत पड़ रही है आपको देख के लग रहा है। बिल्कुल पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, रख दीजिए आयुषी की मम्मा का फोन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाईफाई और ब्लूटूथ में कभी तार नहीं होती। और आज एक खेल खेलने आया हूं, कौन बनेगा अच्छा पति। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक कपल को जो मेरे साथ यहां पर खेलेंगे। तो कोई कपल, कोई शादीशुदा कपल है जो मेरे साथ खेल खेलना चाहता है यहां पर, जिन्होंने शादी की है? आप खेलना चाहेंगे भाई साहब? पति पत्नी है आपके साथ में? आइए जोरदार तालियों से स्वागत मत कीजिए खेलने का, अगर जीते तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए, वेलकम मैम, आइए आइए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभ नाम आपका भाई साहब? जगत ज्योति, जगत ज्योति बिस्वाल। नहीं, आपका पूछा है। मेरा नाम? हाँ, मैं बोला तो जगत ज्योति बिस्वाल। अच्छा, जगत ज्योति बिस्वाल, जगत ज्योति बिस्वाल, जगत ज्योति बिस्वाल। जी वही है। मतलब लिफ्ट लेते होंगे और लिफ्ट आ गई और आपको बुलाना हो, जगत ज्योति बिस्वाल लिफ्ट आ, इतने में तो चली जाती होगी लिफ्ट। नहीं, शॉर्ट में जेजेबी बुलाते हैं। जेजे, हाँ, जेजेबी, जेजेबी भी बुलाते हैं। ओके मैम, आपका नाम?
रोजालिन 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 ठीक है रोजालिन और जगत ज्योति विश्वास किसके साथ रहते हैं? विश्वास नहीं बिस्वाल बिस्वाल जी बिस्वाल विश्वास तो बंगाली वो दूसरा ऑप्शन क्या दिया था आपने जेजेबी जेजेबी बिस्वाल साहब जी जगत ज्योति जी जी जगत ज्योति बिस्वाल जी जी और रोजालिन आप क्या लगते हैं एक दूसरे के पति और पत्नी कौन पति आप पति ऑफ कोर्स जेंट्स को पति कहा जाता है मैंने सिर्फ चेक करा था आपको पता है कि नहीं कहते बोले कि मैं पत्नी हूं जी 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 पता है पता है पर लेकिन जगत ज्योति बिस्वाल जी कहां रहते हैं आप भुवनेश्वर यहीं पे मुझे लगा पेरिस से आए हैं आप वाह मेरा मतलब वो तो आपको कह रहा हूं यहां से आया हूं ऐसे मतलब कहां भुवनेश्वर में कहां रहते हैं कलिंगा नगर में रहते हैं कलिंगा नगर तो कुछ आज सवाल पूछे जाएंगे और मैं आपको गेम के रूल्स बता दूं चलती खेल में आप खेल छोड़ के नहीं जाएंगे गुस्सा आया तो माइक उठा के नहीं मारेंगे कि नकली है जी नहीं, जी नहीं। और आहा जा रहे हो आप भी कहां चले मैडम आप जानबूझ के आए ना कसम से बोलिए नहीं सर नहीं मुझे लग रहा है आपको जानबूझ के आए आप और सब ठीक सब बढ़िया किधर जा रहे थे बस उधर हस्बैंड के पास तो इतनी देर क्यों नहीं थी अभी तक हस्बैंड के पास आप सर मैं ढूंढ रही थी उनको वो पहले आ गए आपको छोड़ के पहले आ गए वो जी क्लास लगेगी उनकी अच्छा ये आपके हस्बैंड हैं मैडम यहाँ घूम रही हैं आप कहाँ तफरी कर रहे हैं सर आपको देख रहे थे बस अब मैडम आपको देख लेंगी रात को जाके चलिए धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मैडम यहाँ खेल खेल के आया है दो मिनट में आया बस जाओ बैठो भाई साहब एक बात बोलूं आपके हिसाब से मैडम बहुत ज्यादा खूबसूरत है बस मैं बता रहा हूं भाई साहब आपको ढूंढना चाहिए मैडम को मैडम ढूंढ रही है आपको इससे ज्यादा लकी कुछ नहीं हो सकता इंसान भाई साहब बस जगत ज्योति बिस्वाल जी जी और रोजालिन जी गेम के रूल्स कोई कंप्यूटर नहीं होगा सारे सवाल मेरे मुंह पर होंगे आपको सुनाई दे रहा है ना जी सुनाई दे रहा है चलिए बहुत अच्छा हो गया तो गीता पर हाथ रख के कसम खाइए गीता है ये गीता है जो पहले नर्स बन के आई थी वैसे गीता है ये रोजालिन है ये जगत ज्योति बिस्वाल जी हैं बोलो बिस्वाल बिस्वाल थैंक यू कसम खाना था उनको ऐसा हाथ लेके गए हैं वो आगे तक गिरने वाले थे खा लीजिए कसम खाना चलिए सबसे पहला सवाल पूछने से पहले खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप दोनों की उंगलियां यहां पे अपने घुटने पे चिड़िया उड़ तोता उड़ कबूतर उड़ कबूतर बहुत ऊपर उड़ता है भाई साहब आपका मैना उड़ ये जानबूझ के जाने लगे हम लोग एरोप्लेन उड़ ओ गलत जवाब ये जेट एयरवेज का प्लेन था आजकल नहीं उड़ रहा है सॉरी लेकिन आपने उड़ा दिया उड़ीसा वाले हैं ये तो अच्छे अच्छे उड़ा देते हैं भाई साहब सही बात है बहुत ही बढ़िया
जगत ज्योति बिस्वाल जी और रोजालिन जी, पहला सवाल जगत ज्योति बिस्वाल जी के लिए ये रहा मेरे मुंह पर। इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठने का सही तरीका क्या है? ये जवाब दूं या करके बताऊं? ओ, मैं तो भूल गया, इसमें तो ऑप्शंस रहते हैं, आपने ऑप्शंस तो बोले नहीं जी। सॉरी, आप चाहें तो इसमें पाइपलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। किसका? पाइपलाइन का। पाइपलाइन का, अच्छा। आपके ऑप्शंस हैं मैडम, आपके मुंह पर लाइट पड़ रही है, इनके मुंह पर है ना, आप थोड़ा ऐसा करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाओ, पहली सीट पर बैठने का कोई तो आनंद होना चाहिए। इनके मुंह पे लाइट पड़ रही है, जिनको मैं पीछे बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं हमें पहली सीट नहीं मिली, वो तंग हो रही है लड़की वहां बैठी हुई, बहुत ही बढ़िया। तो आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी, कुंडी लगा के। एक्चुअली इसमें तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, कुंडी तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे कि कौन सा एक आंसर है, तो मैं तो बोलूंगा ए, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसमें पाइपलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ए के लिए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, बी के लिए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, सी के लिए हाथ खड़ा कीजिए या डी के लिए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। ओ, आखिर तक लोग कुंडी लगा के ज्यादा पसंद करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं जनता के साथ जाना पसंद करूंगा। अकेले जाइए भाई साहब, जनता के साथ नहीं जा सकते। मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे। जहीं भी जाइए अकेले जाइए, मुझे पता था आप ऐसे फंसाएंगे। नहीं, पर आप जनता के साथ क्यों जाना चाहते हैं? जनता के जवाब के साथ जाना चाहता हूँ। जवाब बोलिए ना। सॉरी, क्वेश्चन ऐसा है, आप बोलते हैं जनता के साथ जाना चाहता हूँ, खुद सोचिए, और इतनी जनता के साथ जाएंगे और आएंगे कैसे फिर? सही कहा आपने, सही कहा। और जनता से भी पूछ लीजिए आपके साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। तो डी, जनता के जवाब के साथ जाना चाहते हैं जगत ज्योति बिस्वाल जी, बिल्कुल सही जवाब। और इसके लिए आपको इनाम में मिलता है ये टिश्यू पेपर रोल। ए, गीता एक मिनट भाई साहब, ये इंडियन टॉयलेट सीट है, टिश्यू पेपर नहीं, पानी का बोतल दो, ये पानी मिलता है आपको। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा मेरे मुंह पर। भाई साहब, जब मैं बोलूं मेरे मुंह पर, उसके बाद म्यूजिक बजाएंगे आप। जब मैं बोलूं मेरे मुंह पर, वहां पे जब बोलूं मैं, इस गेम में जब बोलूंगा मेरे मुंह पर, तब बजाएंगे आप। सुन नहीं रहा है क्या तुमको? जब मैं बोलूंगा यहां पे मेरे मुंह पर, उसके बाद बजाना है। ये रहा मेरे होठों पर। ए, मुंह पर किसने बोला? वन जीरो। ओके, सवाल, अगर आप मैडम के साथ शॉपिंग मॉल में गए हैं एस्प्लेनेट मॉल, शॉपिंग मॉल में गए हैं एस्प्लेनेट मॉल में, और वहां पे किसी दूसरी महिला को देखने का मन करे, तो कैसे देखेंगे कि मैडम को पता ना चले आपने देखा है? अगर जिंदगी प्यारी है तो नहीं देखेंगे, अगर जिंदगी नहीं प्यारी है तो भी नहीं देखेंगे।
देखने का मन करे तो मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज है, ऐसे देखेंगे। पर मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं जगत ज्योति बिस्वाल जी, टॉयलेट के लिए आपने ऑप्शन मांगे, इसके लिए ऑप्शन भी नहीं मांगा आपने जी, क्योंकि आपने पढ़ते हुए मैंने ऑप्शंस देख लिए थे। नहीं नहीं, इसमें तो लिखे ही नहीं ऑप्शन, इसके ऐसे 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 लिखा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं अच्छी ऐसे, पर आपका मुंह लटक गया, वाकई फंस चुके हैं पहले इस मामले में आप लगता है। नहीं 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 कभी नहीं। अच्छा, आपके ऑप्शन ए अच ऐसे, बी आ ऐसे, या सी रोजालिन जी के साथ सेल्फी खींचेंगे और पीछे से देख लेंगे, या डी आप इन्हें कहेंगे कि वो देखो तुम उस महिला से कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, शायद ये सही हो। ऑप्शन ए के लिए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सब लोग ही यही बात कर रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। कितना ये मिलता है आपको बैंडेड जी। भाई साहब एक सवाल और पूछने दो प्लीज जी। सारे आपने मुझसे ही पूछ ले, इनसे कुछ नहीं। मैडम आपको मुक्का मारेंगी ना, तो उसके लिए बैंडेड दी मैंने। चलिए मैम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। रोजालिन जी, मैंने उनको कहा वही बात आप पे भी लागू होती है, भाई साहब के हिसाब से ज्यादा खूबसूरत हैं आप जी। किस्मत होती है जी अपनी अपनी। अगला सवाल ये रहा मेरे मुंह पर, पति जब गीला टॉवल बेड पे छोड़ देते हैं नहाने के बाद, पति मोस्टली ये जो काम है ये गीला टॉवल बेड पे छोड़ देते हैं, वही गीला टॉवल बालकनी पर सुखाने में इनको कौन सा सांप सूंघ जाता है, ए कोबरा, बी एनाकोंडा, सी पाइथन, या डी अजगर। सर बी पाइथन। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये मिलता है आपको चॉकलेट बॉक्स, चॉकलेट बॉक्स मिलता है, इसमें चॉकलेट डाल लीजिए, खाली बॉक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू रोजर। ये भरे हुए बॉक्स भी हैं दोनों, थैंक यू, ये दोनों आपके लिए। एक्चुअली यू हैव मेड माय डे, टुडे इज माय बर्थडे, ऑफिशियली इट्स माय बर्थडे, आई एम अ ह्यूज फैन। ओ थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो सबके साथ मनाते हैं आपका बर्थडे जी, जी। एक मिनट भाई, बाला बाला गाएंगे, सब लोग गाएंगे ना आपका बर्थडे। आज मेरा है, कल मैडम का है, सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और कौन कौन आया है साथ में? नहीं बस हम दोनों, तो दोनों का। अच्छा ले लीजिए फिर तो, आपके लिए ये है बर्थडे आपका। नहीं मैडम को पहनाइए ना, तो शर्म कीजिए थोड़ा, इधर आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस, इनको हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर जगत ज्योति बिस्वाल जी। वाह वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारकबाद, आप खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। हाँ वी कैन टेक अ पिक्चर, एक मिनट भाई साहब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अरे ये, अरे आपके लिए था वो, चलो कोई नहीं छोड़ दिया था। अच्छा ये बर्थडे के लिए चॉकलेट आपके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।